गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ब्यूटी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ब्यूटी मेकअप। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि नई नवेली दुल्हन मेकअप लुक कैसे करें। अभी आप लोगों को पता है कि वेडिंग सीजन चल रहा है और बहुत सारी ऐसी ब्राइड होंगी जिनकी अभी मैरिड अभी अभी हुई होगी, एक दो मंथ पहले, यानी कि नवंबर में दिसंबर में ये समय। तो उन लोग के लिए मैं ये मेकअप लुक लेके आई हूँ। बहुत सारी ऐसी ब्राइड होती हैं जिनको बिल्कुल मेकअप करने नहीं आता है या उनको पता नहीं चलता है, वो कन्फ्यूज हो जाती हैं कि कैसा मेकअप लुक क्रिएट करें। नई नवेली हैं तो ससुराल में थोड़ा हैवी तो चाहिए, क्योंकि न्यूली ब्राइड है तो उनको तो हैवी थोड़ा मेकअप चाहिए। तो इस वजह से मैं आप लोग के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ कि नई नवेली दुल्हन को हेल्प मिल जाए मुझसे। तो मैं आप लोग के लिए मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाती हूँ कि नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल में कैसे डेली मेकअप कर सकती हैं, क्योंकि उनको थोड़ी सी हैवी मेकअप चाहिए होती है। तो चलिए, और बहुत सारे कम प्रोडक्ट से ही मैं बताऊंगी कि बहुत कम प्रोडक्ट से ही आपको करके दिखाऊंगी कि आप लोग कैसे अच्छी दिख सकती हैं, न्यूली ब्राइट दिख सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फेस को प्रिपेयर कर लेना है, अपने स्किन को, ताकि वो मेकअप के लिए उसे रेडी कर लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर, जो कि अगर आपके पास कोई भी टोनर हो, कोई भी मॉइस्चराइजर हो, तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अपने फेस को प्रिपेयर कर ली हूँ, यानी कि क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग मैं कर ली हूँ। और उसके बाद बारी आती है प्राइमर की, तो प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का प्राइमर ले रही हूँ। और जो भी प्रोडक्ट आप अपने फेस पे यूज करें, तो प्लीज अपने नेक और ईयर पे उसे जरूर अप्लाई करें, ताकि आपका नेक और ईयर जो है अनइवन ना दिखे, अलग कलर का ना दिखे। तो प्राइमर जो है बहुत ही आपको लाइटली हैंड से अप्लाई करना होता है, यानी कि बहुत सॉफ्टली हैंड से उसे अप्लाई कीजिए आप, बिल्कुल उसे रगड़ के घिस के नहीं अप्लाई कीजिए। तो मैंने अप्लाई कर लिया है प्राइमर, और इसे जो है कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ना चाहिए, ताकि ये अच्छे से आपके फेस के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर दे, ताकि आपको कोई भी फाउंडेशन या क्रीम डेली के लिए यूज कर रही हैं तो आपके फेस पे जो है अप्लाई करने के बाद आपके स्किन के अंदर ना जाए और आपके स्किन में हार्म नहीं पहुंचाए। तो इस वजह से आपको जो है प्राइमर को कम से कम 5 मिनट छोड़ना चाहिए। तो जब तक मेरी प्राइमर मेरे स्किन में मेरे फेस पे ओसेट हो रही, तब तक मैं क्या कर रही हूँ कि अपने ब्राउ बोन को फिल कर लेती हूँ, आईब्रो फिल कर लेती हूँ अपनी, और तब तक जो है मेरी जो है प्राइमर एक अच्छा सा लेयर क्रिएट कर देगा मेरे फेस के ऊपर। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्राइमर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं अपने आईब्रो को कर रही हूँ फिल। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ली हूँ यहाँ पे जो कि कंटूर पैलेट है, तो इससे ब्राउन कलर लेके मैं एक छोटू सा ब्रश से अपने आईब्रो को अच्छे से फिल कर लेती हूँ। और ये कंटूर पैलेट है, ये आईब्रो पैलेट नहीं है, कंटूर पैलेट है, बट इसमें जो ब्राउन कलर है उससे मैं आईब्रो फिल कर लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा नेचुरल दिखता है, बिल्कुल फेक नहीं दिखता है, बिल्कुल नहीं लगता है कि हाँ आईब्रो फिल करा हुआ है, लगता है कि नेचुरल है। तो यहाँ पे आईब्रो हो गया है मेरा फिल। फिर उसके बाद मैं फाउंडेशन के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ कलर बार का फाउंडेशन है, जो कि यहाँ पे शायद मैं नहीं दिखा पाई थी, भूल गई, वो क्लिप शायद कट हो गया था, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं ऐड हो पाया है। तो कलर बार का ये फाउंडेशन है, बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही बेकार सा फाउंडेशन है। 500 के राउंड ये मुझे मिला था, लोकल मार्केट से मैं ली थी, बट ये ब्लेंड ही नहीं हो पाता है। फिर यहाँ पे मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे जो है उसको थोड़ा सा, सॉरी मेकअप फिक्सर थोड़ा सा स्प्रे करी, और उसके बाद जो अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से इसे मैं ब्लेंड करी हूँ, तो जाके ब्लेंड हुआ। इसका ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा बेकार है, बहुत बेकार से फाउंडेशन है, जो कि कलर बार का है, ए 500 का है। मैं कभी किसी और वीडियोज में आप लोग को दिखा दूंगी, बनाऊंगी, तो मैं उसको बहुत कम यूज करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जहाँ जहाँ हाई पॉइंट है वहाँ वहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। बट जहाँ जहाँ डार्क सर्कल का प्रॉब्लम हो, आप लोग को अंडर आईज एरिया के पास, इस माउथ के पास जो होता है फाइन लाइन्स वगैरह, वहाँ पे अगर कंसीलर अप्लाई करें तो अच्छा होगा। उसके बाद जो मैं यहाँ पे उसी कंट्रोल पैलेट से थोड़ी सी कंट्रोलिंग करूँगी, मैं सिर्फ अपने नोज की कंट्रोलिंग करूँगी और फोरहेड का कंट्रोलिंग करूँगी और जॉ लाइन का कंट्रोलिंग करूँगी। मैं चीक बोन का कंट्रोलिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा फेस खुद ही पतला है, तो और ज़्यादा कंट्रोल करने पर पतला सा दिखता है, तो मेकअप बहुत ही ज़्यादा बेकार दिखे।
दिखेगा। तो इस वजह से मैं चीक बोन पे नहीं कंट्रोल कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जॉ लाइन पे कर रही हूँ और फोरहेड पे कर रही हूँ और नोज पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे फिंगर के हेल्प से नोज पे करी थी और बाकी चारों तरफ जो है मैं एक छोटा सा ब्रश के हेल्प से यहाँ पे कंट्रोल कर रही हूँ। तो कंट्रोलिंग मेरी यहाँ पे हो चुकी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हिलेरी रोरा का जो है ये पैलेट है जो कि हाइलाइटर पैलेट है, बट इसमें जो एक पिंक कलर का शेड आता है वो जो है ब्लश का काम करता है। तो यहाँ पे मैं एक ब्रश के हेल्प से अच्छे से उसे एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। मैं ब्लश के लिए कोई ब्लश सर नहीं ले रही हूँ और ना ही किसी लिपस्टिक वगैरह से या आई शेडो से मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। मैं उसी जो हाइलाइटर पैलेट है उसी से कर, उसके बाद यहाँ पर मैं मेकअप फिक्सर यूज कर रही हूँ। और मेकअप फिक्सर यूज करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दी हूँ, उसके बाद मैं हाइलाइटर यूज करती हूँ। कभी भी अगर आपको हाइलाइटर यूज करना है तो मेकअप फिक्सर यूज करने के बाद ही हाइलाइटर यूज करें, अप्लाई करें तो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड दिखता है हाइलाइटर आपका, बहुत ज़्यादा खिल के आता है। देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं, तो ADS का हाइलाइटर है ये, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत अच्छा सा हाइलाइटर है और मुझे ये बजट फ्रेंडली मिला था। मैं शायद इसे फ्लिपकार्ट से परचेज करी थी बट इसका लिंक अभी मेरे पास नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अप्लाई कर रही, फिर यहाँ पे हिलेरी रोड़ा का आई शेडो पैलेट से इससे मैं यहाँ पे रेड कलर अप्लाई कर रही हूँ। मैं सिर्फ दो कलर से मेकअप करके दिखा रही हूँ आप लोग आई मेकअप, क्योंकि मैं डेली के लिए, मैं नई नई वाली दुल्हन के डेली के लिए मेकअप लुक बता रही हूँ, तो कोई भी हैवी आई मेकअप नहीं बताऊँगी, क्यों कोई भी डेली हैवी आई मेकअप नहीं करेगा। और मैं जो आउटफिट वेयर करने वाली हूँ तो रेड और गोल्डन कलर का है, तो दो ही कलर से आई मेकअप कर रही थी। यहाँ पर रेड कलर को मैं दोनों आईज में कुछ इस तरह से अप्लाई कर ले रही हूँ और बीच में जो है आपका मिडिल में मैं यहाँ पे गोल्डन कलर अप्लाई कर रही हूँ। आई के मिड में जो है गोल्डन कलर यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। ये भी आई मेकअप बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, सिर्फ दो कलर से होता है बट बहुत इजी है और बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं काजल के लिए A18 का काजल यहाँ पे यूज कर रही हूँ जो कि अच्छा है, बजट फ्रेंडली है और अच्छा है, बजट के अनुसार ये अच्छा है। मुझे ये 75 रुपीज में लोकल मार्केट में मिला था, तो इसको मैं यहाँ पे देखिए अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ जो कि लोअर लेस पे मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं आईलाइनर के लिए यहाँ पे लेकमे का आईलाइनर ले रही हूँ जो कि शायद मुझे ये मिला था 300 में, तो इसको मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा बोल्ड कलर इसका है, इस वजह से मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 मिनट कम से कम इसे सूखने में। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैं थोड़ी सी विंग ड्रॉ कर रही हूँ, मेरी आईज हुडेड है तो मैं बहुत ज़्यादा विंग नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ी सी विंग ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए आई लाइनर मैं दोनों आई में अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। फिर मस्कारा के लिए एक टिप देना चाहूँगी, मैं यहाँ पर कोई भी फर्स्ट लेसेज नहीं अप्लाई करूँ क्योंकि डेली कोई फर्स्ट लेसेज नहीं अप्लाई करता है। तो यहाँ पे अगर आपकी आई लेस जो है वो थिन है, पतला है, तो आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा मस्कारा ब्रश में यहाँ पे कंसीलर लगा के पहले अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद जो है आप मस्कारा अप्लाई करिए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्यारा सा लगता है। इस तरह क्या है कि मस्कारा अप्लाई करने से लगता है कि आप आई लेसेज अप्लाई करे हुए, बहुत ही हेवी सा आपका आई लेस दिखता है। तो देखिए मैं भी इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैं डेली नहीं फॉल्स आई लेसेज यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब लिपस्टिक के बारे है, तो मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक ले रही हूँ जो कि डार्क रेड कलर का है। मेरा आउटफिट रेड कलर का है तो ऐसे भी मुझे डार्क कलर ही पसंद है। कोई भी नई नई मेरी दुल्हन अगर मेकअप करेगी तो वो तो डार्क ही लिपस्टिक लगाएगी, लाइट तो न्यूड कलर का लगाएगी नहीं। तो यहाँ पे मैं डार्क लिपस्टिक लगा रही जो कि रेड कलर का है और स्विस ब्यूटी का है, अच्छा है, बजट के अनुसार अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए मेरा मेकअप हो चुका है डन और मैं आप लोग को फाइनल लुक दिखाती हूँ कि हाँ मैं फाइनल लुक में कैसे लग रही हूँ। सो गई, तो ये है मेरा फाइनल लुक, मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। मैं कुछ इस तरह से जो है मिडिल पार्टीशन करके हेयर स्टाइल करी हूँ यहाँ पे और हेयर को मैं ओपन रखी हूँ, आप चाहें तो कोई भी हेयर स्टाइल भी कर सकते हैं। और मैं कुछ इस तरह से रेड और गोल्डन का बैंगल जो कि मैं कांच का वेयर करी हूँ, आप चाहें तो अपना चूड़ा वगैरह जो कुछ भी है, अगर न्यूली ब्राइड है ऑलरेडी आप चूड़ा वगैरह ही वेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं कुछ इस तरह से फ्रील बाजू की ब्लाउज पहनी हूँ और ये जो साड़ी है मैं ओपन पल्लू पहनी हूँ यहाँ पर।
तो आप चाहें तो अपना साड़ी अपने हिसाब से वेयर कर सकते हैं, जिस तरह से आप कंफर्ट फील करें उस तरह से वेयर करें। मैं ओपन पल्लू रखी हूँ और मैं रेड साड़ी यहाँ पर वेयर कर रही हूँ, क्योंकि न्यूली ब्राइड ज़्यादा येलो रेड करके ही साड़ी पहनती है। ऑलरेडी उनके शादी में यही सब कलर यूज किया जाता है, वही सब ज़्यादा पहनती है। तो आप लोग बताइएगा कि हाँ मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। मैं कुछ इस तरह से ज्वेलरी जो है, मैं बहुत ही सिंपल सा ज्वेलरी वेयर कर रही हूँ, और मैं ये गोल्ड का जो पहले से पहनी थी उसे मैं नहीं उतारी हूँ। तो आप चाहे तो गोल्ड की ज्वेलरी वेयर करें, और नहीं तो आप आर्टिफिशियल की अगर शौकीन है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आर्टिफिशियल पहने। तो मैं कुछ इस तरह से बहुत लाइट वेट ज्वेलरी वेयर कर रही हूँ, और बिंदी भी मैं बहुत ही ज़्यादा मीडियम साइज की लगाई हूँ। आप चाहे तो बड़ी बिंदी इसके इस मेकअप लुक के साथ लगा सकती हैं, कर सकती हैं इस तरह से। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा मेकअप लुक। मैं एक यहाँ गोल्डन कलर का यहाँ पे फिंगर रिंग वेयर करी हूँ, मैं फुल लुक भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। सो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आप लोग को मेरा आज का नई नवेली दुल्हन का मेकअप लुक? प्लीज़ अगर आप लोग का अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसका। और अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।